तो सवाल यह कि आप इतने आपने इतना एक्सेसिबल बना दिया साइंस को आपने उसमें स्मार्ट एफर्ट डाल के एक बढ़िया तरीके से उसको डिस्प्ले कराते हुए मैं आपकी टॉर्क वाली वीडियो देख रहा था वो क्या जबरदस्त एग्जांपल है वाली। पर, हाँ, आपकी फोर्स और किस लेवल पे चेंज हो सकती है हमारी फर्स्ट वीडियो थी यूट्यूब पे टोटल फर्स्ट वीडियो थी शॉर्ट में राइट आपने साइंस बड़ी एक्सेसिबल बना दी आप जब स्कूल में थे तब आप ऐसे समझते थे या आपका कैसा रहता हाउ आर इन स्कूल सर मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ और मेरा वाला गवर्नमेंट अब तो गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात बहुत अच्छे हैं दिल्ली में दिल्ली में तो आप केजरीवाल के साथ हो आ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है अब तो केजरीवाल जी के साथ उनके खुद के लोग नहीं बट पॉइंट ये है। <laughs> <laughs> गया। तो पॉइंट ये कि हमारे स्कूल्स आ, अब मैं क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को से मिलता हूँ मुझे पता है बहुत सारे स्कूल के हालात काफ़ी अच्छे हैं बट हमारे वाला स्कूल मैंने टेंथ तक जहाँ पे स्कूलिंग की है वो बहुत बुरे हालात थे हम टेंथ तक आज तक कभी लैब में भी नहीं गए थे हमारी साइंस की लैब में केमिस्ट्री लैब में फिजिक्स लैब में कभी गए नहीं थे तो मुझे याद है कि टेंथ में मैं पहली बार लैब में लेके गए अब मेरे अंदर ना साइंस मैं बचपन से ही घर में साइंस की चीज़ें खोलता था और उसे बंद करता था जानता था उनको तो लैब में जब हम पहली बार गए तो हमारी मैडम थी उन्होंने कहा कि चार चार बच्चों को सोडियम का इतना इतना टुकड़ा मिलेगा इसको गलती से भी पानी में मत डालना बस मुझे लगता है कि टीचर को वो नहीं बोलना चाहिए था खासकर उन बच्चों को जो दस साल से लैब में नहीं गए किसे पानी में मत डालना अब क्योंकि मैं क्लास का एक ब्राइट स्टूडेंट था और थोड़ा बहुत मस्ती भी था तो मैंने सारे जो जो चार चार के ग्रुप थे लॉन्डो के अच्छा मैम तो ये बोल के चली गई पीछे रूम में लैब असिस्टेंट वाले रूम में मतलब वहाँ लैब असिस्टेंट नहीं था साथ हाँ। में, तो चली गए। <laughs> अरे यार लोग गलत ना ले ले। <laughs> अरे। दूर करना <laughs> असिस्टेंट तो, मैं करना <laughs> अरे, तो दूर। फिर मैंने चार बच्चों को इकट्ठा किया कि भैया मुझे अपना अपना सोडियम का दुकड़ा दे दो ये कहानी मेरे सारे ऑफलाइन के बच्चे जानते हैं मैंने एक फ़िल्टर पेपर लिया उसमें चारों ग्रुप्स के छोटे 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 टुकड़े डाल के उसकी एक पोटली बनाई लैब में ना वॉश बेसिन होते हैं मैंने उसमें कपड़ा फसाया थोड़ा सा पानी भर दिया और उसमें पानी जब भर गया तो मैंने उसमें वो डाल दिया अब सब बच्चे वहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा हमें कुछ तो पता ही नहीं है वो तो अब हम जानते हैं अच्छा आई गेस थर्टी सेकेंड फोर्टी सेकेंड एक मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ हम सब वापस मुड़े गए जैसे मुड़े ना बहुत बड़ा धमाका हुआ और सारा पानी लैब में चीज़ों पर फैल गया बस धमाका ही होता है धमाका सोडियम मैं धमाका सर मैं आपको इसके ऊपर एक बहुत खतरनाक अभी एक वीडियो के बारे में बात करूंगा मेरे हाँ, कि मैं कैसे इंजर्ड हुआ इससे अच्छा हाँ तो ये धमाका हुआ तो टीचर बाहर आ गई अब उन्होंने पूछा ये किसने किया है तो किसी ने कुछ बोला नहीं लेकिन सब बच्चे मुझे देखने लग गए तो टीचर को समझ में आ गया कि मैं हूँ तो मुझे उस दौरान बहुत बड़ी वार्निंग मिली मेरे को पेरेंट्स को फ़ोन भी किया गया मेरी मम्मी बुटीक पे थी वहाँ नहीं पाई मेरे को घर जाके बहुत डांट पड़ी तो मेरी लाइफ में, में पहला ऐसा सीन था जहाँ मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट जागा कि इतनी पावरफुल है और ये मस्ती करके हुआ ये मस्ती करके हुआ ये बहुत कमाल की बात है एग्जैक्टली हाँ। exactly, सर हुँ, हुँ. इसके बाद बहुत चीज़ें ऐसी रिपीटेडली हुई जहाँ मुझे घर में समझ में आया कि यार इसमें इतनी बेहतरीन साइंस है और फिर जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था मेरे जीवन में एक प्रोफेसर आए सर वॉल्टर लुइन एम और आ, सर मैं आ, बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब मैं टेंथ में था तो मैं तब से पढ़ाना शुरू कर चुका हूँ नाइन्थ के बच्चों को पढ़ाता था तो मैंने उनसे सीखा कि पढ़ाते कैसे हैं वो एम में एक्सपेरिमेंट्स के साथ पढ़ाते थे वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई कि यार अच्छा साइंस तो इतनी प्यारी है जो मुझे पढ़ाया जा रहा था वो तो कुछ नहीं था तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ सर पता है आप ये बात मैं जैसे अभी हम बात कर रहे थे मैं सी ए टीचर्स देखे हैं ठीक है सी ए टीचर्स एक लेवल पे जो आप लोग हो ना जो पाँच हज़ार बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनकी अटेंशन पाँच भी मैं कम बोल रहा हूँ कई बार ज़्यादा मैं समझता हूँ एक अलग क्वालिटी का टीचर है ये क्योंकि आपको अटेंशन एट स्केल खेलना है hmm. मैंने ये सी में देखा फिर मैं बाहर पढ़ने गया वहाँ पर जो टीचर है ना सर वो एक अलग ही गेम खेल रहे हैं वो आपके दिमाग में कितनी जोर से गढ़ा सकते हैं एक ऐसी बात जो आपने okay. सोची भी नहीं थी बिल्कुल तो वहां के टीचर से मेरा एक अलग तरीके से दिमाग खुला तो ये बात तो ठीक है कि आपको वो एडुकेशन बाहर के एक्सपीरियंस करके कुछ चमका तो रहा होगा हा, बहुत हा, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल चमका तो रहा वहीं से ही रियलाइज हुआ कि पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है तब से मैं इस जर्नी पे हूँ कि मुझे बच्चों को साइंस पढ़ानी नहीं है समझानी है ये मतलब हमारी टैगलाइन भी है तो ऐसा है ये वाला जो किस्सा है ना सर लैब असिस्टेंट और ये वाला ये मैं आपको बता नहीं सकता कितना रियल है भाई हमारे स्कूल में एक बायो की टीचर होती थी ठीक है और वो टेंथ में बायो पढ़ाती थी, थी तो वो वाला रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया करती थी ठीक है और मैं ज़्यादा बताऊँगा तो लोगों को पता लग जाएगा मैं तो किसकी बात कर रहा हूँ पर ना हमारे बैच में एक लड़का था वो उसकी दूर की बुआ लगती थी तो जब भी वो पढ़ाने आती थी बुआ जी पढ़ाने आ रही है ठीक है और जो उनका लैब असिस्टेंट था ना उसका नाम तो समझ रख दिया वो, वो था बेचारा उसका था था। बिल्कुल हाँ, होते हाँ, यार बच्चे उनके दिमाग में कहा से आ गई मस्ती आपने किसी के साथ ये कर दिया यार स्कूल में होता है बहुत होता है की टीचर का नाम किससे जोड़ देते वाले सर और केमिस्ट्री वाली मैम का शादीशुदा लोग है नाम जोड़ रखे साथ सामने और पता है वो आज तक चला रहा है आ, मतलब मैं दस साल बाद भी स्कूल जाता हूँ ना आज के बच्चों के भी वही जोक है बिल्कुल तो ये बहुत हाँ लैब में लैब में सारे फूफा जी से मिलने स्कूल में तो बहुत सारे एक बार जैसे मेरे जो ब्रदर हैं वो बहुत अच्छा हाँ मेरे बड़े हैं वो डांस करते हैं बहुत अच्छा डांस तो गवर्नमेंट स्कूल में आने से पहले हम लोग एक प्राइवेट स्कूल में थे सिक्स तक आई गेस फिफ्थ तक तो वो हमारे स्कूल के डांस सोसाइटी के मतलब एक प्रकार से हेड थे कि उन जाने जाने तो एक दिन मैं अपनी अच्छा अब सब मुझे इस नाम से जानते हैं कि ये डांसर का भाई है तो एक दिन मैं स्कूल में इंग्लिश का होमवर्क करके नहीं गया तो इंग्लिश वाली मैम का लास्ट पीरियड था तो मैम ने कहा कि बेटा तू रुकेगा क्योंकि तू काम करके नहीं आया मुझे लगा कुछ पनिशमेंट दे, दे देंगी मुझे कहेंगी कि दस बार लिख दे आजकल तो मारने पे भी ऐसे लिखवाया जा रहा है तो मेरे को लगा मुझे तो बोल ही देंगे कि भैया तू इसको दो बार लिख के चला जा आजकल तो ऐसे लिख दो हाँ <laughs> तो जब सब बच्चे चले गए मैम ने मुझे बोला कि डांस करके दिखा क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे जीन्स में है ये कि वो अगर तेरा भाई इतना अच्छा डांसर है पूरे स्कूल में फेमस है तो हाँ। अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि वो साउथ इंडियन थी हाँ। और उनको पता नहीं पंजाबी डांस देखने की क्या फैंटीसी थी उन्होंने कहा भंगड़ा करके दिखा तो मैंने कहा मैम मुझे भंगड़ा करना नहीं आता वो मेरे ब्रदर को आता है आप मैं पनिशमेंट कर दूंगा अच्छा मैं और ब्रदर साथ में जाते थे तो मैं नहीं गया बहुत देर तक बाहर तो मेरे ब्रदर रूम में आ गए कि भाई क्या हो गया तो मैम ने बोला होमवर्क करके नहीं आया और मैं उसको बोलूँ डांस करके देखा अब मेरे भाई को इतनी चुल्ह डांस करने की कह रहे कि इसकी जगह मैं कर देता हूँ अब वहां पे वो मेरे लिए डांस कर रहे हैं एज अ पनिशमेंट क्या बात कर रहे उन्होंने भंगड़ा करके दिखाया मैम को <laughs> और मतलब आप सोचो क्लास के अंदर तीन लोग हैं सिर्फ मैम इधर बैठी है मैं उधर बेंच पे बैठा हूँ ऐसा के और मेरा भाई भंगड़ा कर रहा है मेरे लिए <laughs> 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 म्यूजिक चल रहा है <laughs> नहीं नहीं कुछ म्यूजिक 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 नहीं चल रहा और फिर मेरी छुट्टी हुई है तो मतलब ऐसा भी है कि हाँ सेम स्कूल में हम लोग पढ़ते थे उनके बहुत अलग करेक्टर्स थे वो बहुत अच्छा डांस करते थे पढ़ाई में भी अच्छे थे सर आप एक बात बता रहे दही जमाने की <laughs> शुरू से बताइए सर ये साइंस एक्सपेरिमेंट में बहुत इंटरेस्टेड हूँ सर एक वीडियो मैंने ऑनलाइन देखी जहाँ पे एक आ, फेमस पॉडकास्ट चैनल पे कोई आया हुआ है और वो कह रहे हैं कि जो वेजाइना का लिक्विड होता है जूसेस भी कह लो एक्चुअली मैंने अपने वीडियो में वेजाइना जूसेस बोल दिया था तो लोगों ने ये भी ऑफेंस में ले लिया था वो जूसेस जो होते हैं उसमें लैक्टोबैसेलस होता है hmm. जो कि एक्चुअली जो दूध होता है लैक्टो शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है बट ये किसी ने कभी आज तक किया नहीं था प्रैक्टिकली नहीं तो जो जो दूध को किस चीज में कन्वर्ट करता है दूध के अंदर लैक्टो शुगर होती है हाँ ठीक है तो लैक्टो बैसेलस उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है जिससे दही जम जाता है अच्छा तो दूध का दही बन जाता है हाँ अब ये शुरुआत कैसे हुई हाँ। हम अच्छा आप दही कैसे जमाते हो अपने घरों में अच्छा मैं बताता हूँ कि हम लोग जनरली दही कैसे जमाते हैं हम दूध को गर्म करते हैं उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं जो पहले से बना होता है उसमें लेक्टोबैसे होता है इट विल मल्टीप्लाई और दही जम जाता है तो क्लास के अंदर एक बच्चा मुझे बोला कि ये हरी मिर्च से भी जमा सकते हैं तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा ये फिर मैंने उसके ऊपर पढ़ाई की तो देखा कि हरी मिर्च के डंडी के पास भी लेक्टोबैसेल होता है जो ऊपर से निकल रही होती है अच्छा तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई दही जम गया मैंने पोस्ट करी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स फिर मेरे को एक रील आई मेरी फीड पे जिसमें लिखा हुआ था कि वेजाइनल डिस्चार्ज से भी दही जमाया जा सकता है बट ऑबियस शायद वो खाने लायक नहीं होगा तो मुझे बट शायद वो खाने लायक नहीं होगा देखने लायक 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 हो हो सकता है। हो सकता है है सूंघने पर खाने शायद ना तो <laughs> लव बहुत बढ़िया सर बड़ी क्यूट बात करी आपने तो हाँ। मुझे मन में आया कि हाँ। ये करते हैं पहले मुझे लगा कि मैं सिर्फ बोल दूं पर हाँ। मैंने कहा वो मेरा स्टाइल तो है नहीं मैं तो हर चीज करके दिखाता हूं तो सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में ये था कि वो जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो मैं कहां से लाऊंगा अब ये ऑब्वियस सी बात है रोड पे तो मांगूंगा नहीं किसी से तो मुझे ये तो मुझे ये तो मुझे ये घर से ही लेना पड़ेगा तो मैंने वो लिया घर से मैंने पहले मुझे चेक करना था कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी कि नहीं क्योंकि इतना कंसंट्रेशन होगा नहीं होगा एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सिंगल टाइम में वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा दही जम गया अब मेरे मन में बहुत सारे थॉट हैं कि मैं उसको अपलोड करूं नहीं करूं अब तो लोगों को पास चल गया ये मैं कर चुका हूँ तो फिर आ, मुझे आ, ये समझ में आ गया था कि जब मैं इसे पोस्ट करूँगा तो जो कमेंट्स आएंगे वो मेरी फैमिली पर आएँगे और और कहाँ से लाए हो। फिर मैंने इसके ऊपर मन में फेक कहानी बनाई कि मैं ये बोल दूँगा कि मैं इसे किसी हॉस्पिटल से लेके आया हूँ या किसी आई सेंटर से लेके आया हूँ एक फीमेल फ्रेंड है मेरी इंस्टाग्राम पे हम लोग मिले थे उन्होंने मुझे रिकमेंड किया वो एक हॉस्पिटल में काम करते हैं कि आप वीडियो में ये बोल देना कि आप आई सेंटर से लेके आए हो बट पता नहीं क्यों मुझे फिर भी लगा कि यहाँ पे मुझे बैकलैश आएगा लोग ये बोलेंगे कि आप बोल के भी तो दिखा सकते थे बट वो मेरा स्टाइल है ही नहीं तो वो वीडियो अभी मेरे पास ड्राफ्ट में पड़ी हुई है आपने अभी तक अपलोड नहीं करना ऐसी वीडियो बनाने का एडवांटेज क्या है सर सर एडवांटेज देखो कुछ भी अब फॉर एन एग्जाम्पल कॉन्डम्स जो होते हैं वो मेल के भी आते हैं और फीमेल के भी आते हैं ये बात मुझे बहुत पहले से पता था मैंने अपनी फैमिली मेम्बर से पूछा कि आपको पता है फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं तो अगर मेरी फैमिली में सात लोग हैं तो सातों में से किसी को भी नहीं पता था तेरे को, है? मेरे को पता है, तेरे पता है? <laughs> <laughs> तो मुझे लगा अगर ये सात लोग जिन जिन में से एक के बच्चों के बच्चे हो चुके हैं उनको अगर ये बात नहीं बताए तो शायद बहुतों को नहीं बताओगी तो मुझे लगा कि ये अवेयरनेस के लिए मैं सारी वीडियोस कॉन्डम या डायपर के ऊपर या पैड्स के ऊपर नहीं बनाता बट मुझे लगा कि मेरा काम है लोगों को साइंस के लिए अवेयर करना तो मुझे लगा कि मुझे ये बनाना चाहिए मैं क्लास में तो ये दिखाता ही था बच्चों को टेंथ क्लास चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस उसमें बैरियर मेथड में अवश्य से बात है कॉन्टम वर्ड लिखा हुआ है तो टीचर्स बहुत सारे घबरा जाते हैं वो वर्ड बोलने के लिए मैं तो क्लास में दिखाता हूँ बच्चों को मेरे को तो क्लियर मेमोरी है सर उस चैप्टर की और मैं बताऊँ

ऑल दो उस पर आज की डेट में तीस मिलियन व्यूज़ हैं और मुझे कमेंट खोलने की हिम्मत हुई नहीं शुरुआत में एक चौबीस घंटे के बाद भी जो मेरा रिटर है जो मेरे साथ आया वो कमेंट खोल के मुझे बताता है कि सर नाइन्टी नाइन परसेंट कमेंट्स पॉजिटिव हैं लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया उसको कि इसके लिए हिम्मत चाहिए गुदा चाहिए क्लास में ऑफ कैमरे के सामने बोल देना फिर भी ओके क्लास के अंदर डेढ़ सौ दो सौ बच्चा बैठा हुआ है उनके सामने ये बोल देना उनमें से कुछ मेल है फीमेल हैं पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहेगा इस पर यह बिना सोचे मैंने वो अपलोड कर दिया मुझे लोगों तक ये बचाना था कि अगर आपको फीमेल कॉन्टम नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है hmm. बिल्कुल ऐसे ही टैम के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है hmm. कल ही अपलोड की है और बिल्कुल ऐसे ही मुझे ये वाली वीडियो बनानी थी बट ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है आपने सर टैम्स बोल तो दिया है, पर आप टैम्स एक्सप्लेन कर दो लोगों को हाँ। मैंने अपने एडिटर को बोला यार टेमपॉन्स के ऊपर वीडियो बनानी है तो कहता हाँ हमारे यहाँ पर ऋठला है कहता हाँ टैम्पो तो ठाला पे मिल जाएगा तो मैंने कहा टॉन्स पैड्स का सब्सटीट्यूट <laughs> <laughs> <Enter, भाई। laughs> हाँ। तो है बस पैड्स बाहर लगते हैं हाँ। टेम्पॉन्स बेजाइना के अंदर जाता है हाँ। और वो ब्लड को मतलब पीरियड ब्लड को एब्जॉर्ब करता है कॉटन का छोटा सा अच्छा सर और मैंने अगेन ये मैं हमेशा सर्वे करता हूँ इस चीज़ का अपने घर में ही कि किसको कितनों को पता है नहीं पता था किसी को फिर सर मेरी लाइफ में पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मुझे वो चीज़ें देखने लग जाती हैं हमारी एक स्टूडेंट है जो एथलीट है स्विमिंग करती है उसने मुझे बताया कि सर मैं टैम्पॉन्स यूज़ करती हूँ वो हाँ बात कैसे हुई कि हम लोग क्लास के अंदर रिप्रोडक्शन हेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे तो मेरे बच्चे में से इतने फ्रैंक है कि वो आफ्टर क्लास आके बातें करते हैं तो उसने मुझे बताया कि सर आप टैम्पॉन्स के ऊपर वीडियो बनाओ क्योंकि मैं एक स्विमर हूँ जब मेरे पीरियड्स होते हैं तो मैं पैड्स पहन के नहीं जा सकती क्योंकि पैड्स में तो ब्लड पहले वेजाइना से बाहर आता है फिर वो आके एब्जॉर्ब होता है टेम्पॉन्स अंदर ही एब्जॉर्ब कर देते हैं क्योंकि वो वेजाइना हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई कल परसों पोस्ट की अभी तक तो उस पर तीन चार मिलियन व्यूज हैं और अगेन लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉस है इंस्टाग्राम पर वो बहुत फटी मुझे इंस्टाग्राम की ऑडियंस से बहुत डर लगता है क्योंकि वो गाली देती है बहुत देती है ट्रोलिंग करती है बहुत ट्रोलिंग करती है बट सर आप प्लीज कमेंट पढ़ना जब जाके इसकी वीडियो के मोस्टली कमेंट्स पॉजिटिव हैं कि हमें ऐसे टीचर्स की जरूरत है जो डरते नहीं है और सर ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में आ, ये नहीं होता कि मुझे व्यूज़ चाहिए ऑब्वियस बात है यह भी होता है बट मुझे सबसे पहले यह जानना होता है क्या लोगों को इसके बारे में पता होगा कि नहीं।, नहीं क्या इससे वो कुछ नया सीखेंगे कि नहीं।, नहीं उसी मोटिव पे वीडियो बनाते हैं सर काफ़ी सरप्राइजिंग बात है अगर आप देखो कि मेरे को याद है दसवीं में जब वो चैप्टर पढ़ाया जा रहा था ना ठीक है तो हम ट्यूशन में थे अच्छा ट्यूशन में क्या होता है सर

हाथ दिखाना सर ये होता नहीं है ऐसे करके सर और वो ना मेरी शक्ल देख रहा है कि तू इतना बड़ा हैवी तू खरीद सकता है मैं उसके हाथ में खुजली कर रहा हूँ जबकि मेरे को ये भी याद है कि बचपन में एक एड आती थी कंडम 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 ताकि लोग कंडम बोल पाए एग्जैक्टली exactly, सर और आप आज की डेट में कभी भी सैनिटरी पैड्स लेने चले जाओ तो वो पैड आपको काले शी उसमें लेते हैं yes. बहुत नीडलेस शर्म है मेरे ख्याल से ये तो सर मतलब सेक्सुअल बातें भी नहीं है ये तो सेक्सुअल हेल्थ की बातें हैं बिल्कुल सर वही लड़के सर शराब की बोतलें हाथ में लेके ऐसे घूम के बाहर आते हैं और उसमें वो थोड़ा सा मैस्करिटी रिप्रेजेंट तो करते हैं बट पैड्स लेके आता तो उनको शर्मा शर्म आती है कि मैं अपनी वाइफ के लिए या किसी के लिए ले लेके आ रहा हूँ तो बहुत हैरानी होती है देख के और उससे ज़्यादा हैरानी मुझे इन लोगों को देख के तो जो कमेंट में आके ये बोलते हैं कि सर आप क्योंकि मैंने बताया ना कमेंट तो पॉजिटिव है लेकिन एक नेगेटिव भी है और तो मैं देखता हूँ मेरी ऑडियंस उसी की वहाँ पर ध्वजिया उड़ा देती है उसी के कमेंट में कई लोग बोल रहे हैं कि सर व्यूज के लिए कर रहे हैं या आ, सर की शर्म जा चुकी है एटसेट्रा एट्सेट्रा बट वहाँ पे फिर एक बहुत फेमस इंस्टाग्राम लड़की कुछ केज में फॉलोअर्स उसने बोला हुआ है कि तेरे को तेरे घर में नहीं है क्या या पीरियड्स नहीं आते क्या yeah, right. और क्या तुझे पता था इसके बारे में राइट right. सर ने तुझे एक नई नॉलेज दी है अगेन मैंने वहाँ पर यह नहीं बोला कि आपको ये यूज़ करने चाहिए ये तो मुझे भी नहीं पता क्या फीमेल के लिए कम्फर्टेबल है बिकॉज टेम्पॉन्स में डिस्कम्फर्ट रहता discomfort है डिस्कम्फर्ट रहता है और जो ये एक सडन शॉक देता है फीमेल को वो अनकम्फर्टेबल हो सकता है तो ये क्या यूज़ करना मुझे लगता है तो फीमेल की चॉइस है बट ये भी एक ऑप्शन है ये बहुतों को पता ही नहीं था आप भी सर स्कूल में जब रहे होगे शर्म तो रही होगी जैसे हमें थी जब हम खुजली कर रहे थे हाथ में सर मुझे ऐसा लगता था कि ना बड़ा एक मैंने एक ऑब्जर्वेशन ली हाँ। कि जब मैं टेंथ में था तो अगर मैं घर में बैठ के हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ रहा हूँ तो मुझे हंसी नहीं आएगी कैसे आएगी पीना हाँ। हाँ। <laughs> हाँ। तो इस टॉपिक पे हंसी आ जाती है अब मुझे लगता है कि ये टीचर का एक बहुत बड़ा रोल है वहां पे कि वो किस तरीके से उसे मोल्ड करता है क्या हमारे चैप्टर के दौरान ऐसे सवाल नहीं होते होंगे सर मैं ऑनलाइन ऑफलाइन साथ पढ़ाता हूँ और आप ये जानते हैं कि ऑनलाइन वालों के पास पूरी लिबर्टी है उनका चेहरा कोई नहीं जानता तो मुझसे कमेंट में पूछते हैं सर पीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं तो क्या उन्हें पता नहीं होगा बात है मैं उसका रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ <laughs> एक बच्चे को एक्चुअली नहीं पता हूं। <laughs> एक लड़के ने मुझसे स्पैम करा ऑनलाइन में क्या बोलते हैं तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया ऑनलाइन क्लास से ठीक मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम है अभी आप चाहे चेहरा छुपा के लगा सकते हो हाँ। उसने मुझे बोला मेरे दो अकाउंट है इंस्टाग्राम पर एक है दाढ़ी वाले सर जहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं और ये बच्चों ने नाम दिया था मुझे उसका डीएम आया कि सर मुझे प्लीज़ अनब्लॉक कर दो हाँ। तो ना मुझे नाम याद रह गया था उसका मैंने कहा तू वही है ना जो हिंदी में पीनस को पूछ रहा था कहता हाँ मैंने कहा अब तू ऑडियो भेज पहले पता इसको हिंदी में क्या बोलते हैं तब अनब्लॉक कर वो शर्मसार हो गया हाँ कहता सॉरी सर मैं आज के बाद नहीं करूँगा मतलब उसको मतलब पता था वो बस अटेंशन सीक करना चाह रहा था या मजे लेना चाह रहा था और यही ऑडियंस है जो टीचर्स को रोकती है कि वो तो, ये सेंसिटिव टॉपिक ना उठाएं और ये एक और रीज़न भी है कि मैं यूट्यूब पर नाइन टेंथ की बायो नहीं पढ़ाता क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ा दोगे तो ये फैल जाएगा बहुत कि लोग इस तरीके के मतलब वो मजाक में ज्यादा पर सर एक ही तो चैप्टर है ये टोटल सर जैसे एक चैप्टर आता है हेरिटरी उसमें भी हम लोगों को बताना पड़ता है कि सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है एकस एकस हाँ। ये एंगल जैसे मैं बहुत फनी वे में कभी एक बार बोल देता हूँ कि वैसे तो लड़की होना कोई गुना नहीं है और लड़की होने पर किसी का कुछ मतलब मारना भी नहीं चाहिए बट अगर पेलना ही है तो पापा को पेलो क्योंकि उन्होंने एक्स एक्सक्रोमोजोम भेजा है मतलब मजाक में बोलता हूं अब ये ऑडियंस सामने <laughs> जो मेरे ऑडियंस जो मेरे बच्चे बैठे हैं उनको पता है मैं कैसा हूँ mm. और जो मुझसे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं रेगुलरली उनको भी पता है मैं कैसा हूँ mm. बट जो नई ऑडियंस है वो किस वे में ले ले इसको mm. तो इसलिए थोड़ा सा मैं बायो अवॉइड करता हूँ यूट्यूब पे गाइज इफ यू आर इंजॉइंग द क्लिप्स दैट वी आर पुटिंग आउट ऑन दिस चैनल यू कैन कंज्यूम ऑल आर पॉडकास्ट इन स्मॉल क्लिप्स राइट हयर वी चंक गेम टूगेदर एंड रिलीज देम जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस डू नॉट फरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन